जैन दोस्तों, अनिल सराय टीचर आपसे बहुत बहुत स्वागत है। NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए 2022 अप्रेंटिसशिप निकल के आई थी दोस्तों, जिसका काफी सारे कैंडिडेट ने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया था, जिसका डॉक्यूमेंटेशन भी सभी डिविजन का हो चुका है। कई डिवीजन के ज्वाइनिंग भी हो चुके हैं और कुछ ऐसे डिवीजन है जैसे कटिहार है, जिसका अभी तक ज्वाइनिंग का कोई अपडेट नहीं निकल के आया था दोस्तों। तो काफी सारे कैंडिडेट परेशान थे कि आखिर इसका ज्वाइनिंग कब तक होगा, जिसको लेकर के कैंडिडेट जो है DRM ऑफिस गए हुए थे, जिनको कई जानकारी मिली है, जिसकी जानकारी को आज के इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कई सारी वैकेंसी है चैनल पर मौजूद है, चैनल पर अपडेट किया गया है, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिए। कई वैकेंसी है, उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी गई है। आप अनिल सराय की वेबसाइट पर जब करियर ऑप्शन पर जाइएगा तो सभी वैकेंसी के लिंक आपको देखने को मिल जाएगी, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं NFR कटिहार डिवीजन के ज्वाइनिंग के लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों। जो आज कैंडिडेट DRM ऑफिस गए हुए थे उनको पता चला है NFR कटिहार डिवीजन के ज्वाइनिंग को लेकर के। ये बताया गया कि NFR कटिहार का इस महीने के अंत में या आपको जो मई के सेकेंड वीक तक आपको इसका ज्वाइनिंग आपके पास पहुंच जाएगा, ऐसा बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे नंबर भी मिला हुआ है ऑफिस का, लेकिन उसे व्हाट्सअप करने के लिए कहा, जो भी जानकारी होगी तो मैसेज कर रही है तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसा जानकारी मिला कि NFR कटिहार का आपको इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने मई की आपको सेकेंड वीक तक आपके पास इसका ज्वाइनिंग पहुंच जाएगा, ऐसा इंफॉर्मेशन ऊपर से मिला है। तो हमने सोचा आप सभी को इसकी जानकारी दे दी है और आपको बता दें इसका ज्वाइनिंग जैसे ही आएगा उसको चैनल पर मौजूद है, आपको हम अपडेट करके आपको बता दें। साथ ही साथ अनिल सर IT वेबसाइट पर यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट वाला सेक्शन है, रिजल्ट वाला सेक्शन है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा उसका जो मेरिट लिस्ट है। फाइनल एक मेरिट लिस्ट और बनता है ज्वाइनिंग को लेकर के, जो जो कैंडिडेट DV में गए थे उनका ज्वाइनिंग को लेकर के एक मेरिट लिस्ट बनेगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना एक काम कर लीजिए, आप सभी अप्रेंटिसशिप इंडिया पे की वेबसाइट पर जाइए और प्रोफाइल को पूरी तरह से अपडेट कर लीजिए, सब चेक कर लीजिए कि सभी डेटा जो अपलोड आपने किया हुआ है वो सही किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने जो NFR को अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरते वक्त जो ईमेल आईडी दिया हुआ है, वही ईमेल आईडी से आपने अप्रेंटिसशिप इंडिया पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ये जरूर देख लीजिएगा। और दोनों में ईमेल जो है सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको समस्याएं जरूर होगी। हालांकि समाधान हो जाएगा, उसे चिंता नहीं करना, लेकिन समस्या क्यों खड़ी करेगा, सभी दोनों ईमेल आईडी जो है सेम होनी चाहिए। साथ ही साथ उस पर KYC होना चाहिए और बैंक अकाउंट के साथ साथ सभी डिटेल मैच होने चाहिए। ठीक है, उस अगर आपका आधार कार्ड में किसी तरह की गड़बड़ी है आपके मैट्रिक के मार्कशीट से, तो उसको जल्द से जल्द सुधार करवा लीजिए, उसके बाद KYC करिएगा। क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट को ये समस्या हुई है कि उनका आधार कार्ड गलत था, उन्होंने KYC किया तो प्रोफाइल भी गलत हो गया, मैट्रिक का मार्कशीट और ITI सब मैट्रिक का मार्कशीट और आधार कार्ड दोनों सेम नहीं होने के कारण दिक्कत हो गया। ठीक है, तो आप अपना आधार कार्ड पर क्या करें, सभी डिटेल सही कर लीजिए, उसके बाद KYC करिए और दोनों सेम हो जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन आपको होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेल पर कॉन्ट्रैक्ट आएगा, मेल चेकआउट करते रहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो या भेजना शुरू करें तो वहां पर से हम आपको जानकारी लेकर के भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो अपना मेल चेकआउट करते रहिएगा और इंतजार करिए, मई में आपका ज्वाइनिंग जरूर होगा। ठीक है, और हम कई सारे डिविजन में कैंडिडेट को भेजते रहते हैं, कोई जानकारी सही नहीं मिल पाती है, जिसको अपडेट नहीं करते हैं, जहाँ से जो भी जानकारी अपडेट मिलती है, जो सही मिलती है, उसकी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहते हैं। अभी भी कई सारे कैंडिडेट के कमेंट आएगा WCR को लेकर के, NWR को लेकर के, कब तक ये सब का मेरिट लिस्ट आ रहा है। तो अभी तक यहाँ पे DRM ऑफिस में काफी कैंडिडेट गए लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से आप सभी का कोई रिप्लाई हम नहीं दे पा रहे हैं। सवाल तो आता है, जवाब हम नहीं दे पाते, उसके लिए थोड़ा हमें ठीक है सही, जब तक जानकारी नहीं मिलता तो अपडेट नहीं देते हैं। मिलता है वीडियो अगली जानकारी के साथ। अभी देख कई सारी वैकेंसी आज मौजूद है, अनिल सर IT वेबसाइट पर भी जाइए एक बार चेकआउट करिए, कई वैकेंसी है जिनके लिए कोई ना कोई तो वैकेंसी के लिए आप जरूर एलिजिबल होंगे, एक बार चेकआउट कर लीजिए। मिलता है वीडियो अगली जानकारी के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।